अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद हाईएस्ट और लोएस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं कॉन्टिनेंट्स के लिहाज से बयान करूंगा। चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। जी सबसे पहले आता है एशिया, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी फीट एलिवेशन 29,029 है, और लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, और फीट बिलो द सी लेवल जो है वो 1,384 है। जी अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं, जिसका हाईएस्ट पॉइंट अकनकागुआ है, और इसकी फीट एलिवेशन जो है वो 22,830 है, और जो लोएस्ट प्लेसेस है इसमें वो है लगूना डेल कार्बन, और जिसकी फीट बिलो सी लेवल है, लोएस्ट पॉइंट जो है इसका वो लगूना डेल कार्बन है, और फीट बिलो सी लेवल जो है वो 344 है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, जिसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट मैकिनली है, और जिसकी फीट एलिवेशन 20,335 है, और लोएस्ट पॉइंट जो है वो थ्रू बेनिथ है, और जिसकी फीट बिलो सी लेवल जो है वो 4,960 है। उसके बाद अफ्रीका की बात करेंगे, जिसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट किलिमंजारो, और फीट एलिवेशन जिसकी है वो 19,341 है, और लोएस्ट पॉइंट जो है वो लेक एसल है, और जिसका फीट बिलो सी लेवल जो है वो 508 है। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप जो कि सबसे छोटा बरियाजम है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रस है, और जिसकी फीट एलिवेशन जो है वो 18,481 है, और लोएस्ट पॉइंट जो है वो कैस्पियन सी, और जिसकी गहराई फीट बिलो सी लेवल जो है वो 91 है। उसके बाद एंटार्कटिका की बात करेंगे, जिसका हाईएस्ट पॉइंट जो है विंसन मैसिफ है, जिसकी फीट एलिवेशन 60,050 है, और जो लोएस्ट इसमें पॉइंट है वो बेंटले सब ग्लेशियर स्ट्रेंच है, जिसकी फीट बिलो सी लेवल जो है वो 8,333 है।